श्रीरूपं साग्रजातं परिजन सहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सागर ललिता श्रीविशाखामितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांतं राधाकांतं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरूपेश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विष्णु पदाय कृष्ण कृष्ण गोपाल कृष्ण गोस्वामी गोपाल साहित्य प्रकाश निर्देश प्रचारम कृतवाधु भगवत। करेंगे यही चर्चा करने का भीष्म पितामह का आदर्श जीवन चरित्र का कि कई लोग उनपे कई सारे लांछन उठाते हैं कि जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने कुछ नहीं बोला या ऐसे वैसे जीवन यापन किए, कई लोग उस पर लांछन उठाते हैं लेकिन उनके एक साइड में एक आदर्श जीवन चरित्र भी है। सब कुछ के प्रति एक रीजन था, ऐसे नहीं किसी को महाजन बोला जाता है। उनके आदर्श जीवन चरित्र के ऊपर उनके भक्ति की पराकाष्ठा टॉप मोस्ट भक्ति के गुण के कारण उनका नाम 12 महाजनों में से आता है। तो भीष्म पितामह पर हम चर्चा करेंगे। वो आज के 5000 वर्ष पहले लगभग द्वापर युग के लगभग अंत में एक शांतनु नाम के राजा थे और शांतनु किसके पुत्र थे, प्रतीक नामक राजा के पुत्र थे। तो प्रतीक को काफ़ी दिन तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी और काफ़ी समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि वृद्धावस्था में उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और वो पुत्र होते हैं शांतनु, जो कि स्वभाव से बहुत गंभीर और शांत स्वभाव के होते हैं। एक बहुत ही आदर्श राजा होते हैं, बहुत शौर्यवान, बहुत वीर, बहुत प्रतापी राजा होते हैं और पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छे तरीके से वो राज्य कर रहे थे शांतनु राजा। और शांतनु राजा राज्य कर रहे थे तो एक बार उनके पिताजी प्रतीक उनको बोले थे
मीटिंग में बैठे हुए थे, सभा चल रही थी वहाँ पर, और अचानक से वहाँ पर हवा आता है। हवा आने की वजह से जो गंगा होती हैं, देवकुल्या होती हैं, उनका आगे से ना जो साड़ी होता है थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, मतलब पल्लू उनका सरक जाता है एक तरह से कह सकते हैं। और वहीं पर एक राजा होते हैं, एक देवता होते हैं, महाविस उनका नाम होता है। तो महाविस गंगा को उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर के ध्यानपूर्वक उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तो सब सारे लोग देखते हैं कि जो ये स्त्री हैं, ये देवी हैं, इनके जो साड़ी ऊपर से जैसे पल्लू है नीचे खिसक गया है, तो सब लोग शर्मा करके अपना नज़र नीचे घुमा ले झुका लेते हैं शर्म के मारे। बट ये जो महावीर देवता होते हैं, ये लगातार उनको एकटक देखे जा रहे होते हैं, उनकी सुंदरता से बहुत आकर्षित होते हैं वो। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है, ब्रह्मा जी उनको श्राप दे देते हैं, जाओ तुमको मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और उसी समय गंगा जी को भी, कि इतने बड़े बड़े ऋषियों का वो हो रखा है और तुम इनकी तरफ आकर्षित हो, तुम ये नहीं देख रही तुम्हारा क्या स्थिति है, तुमको भी धरती पर जन्म लेने का वो मिलेगा, धरती पर तुम्हें किसी मनुष्य से शादी करना पड़ेगा, धरती पर तुम जाओगी। तो उनको भी ऐसा श्राप मिल जाता है, तो ठीक है, वो भी धरती पे आने वाली होती हैं, किसी से मनुष्य से शादी करने वाली होती हैं, और जो वो होते हैं देवता भी वो ही जन्म लेते हैं इनकी तरफ से। जब वो गंगा देवी आ रही होती हैं तो उनको रास्ते में अष्टवसु मिलते हैं। और हम इस गाय को ले चलेंगे, अपने यहाँ रखेंगे, इस गाय से घी उत्पन्न करेंगे, उसे यज्ञ वगैरह किया करेंगे। अब भाई एक तुलसीदास कहते हैं ना कि जैसे कि नाचे नर मरकट के नहीं, कि जो भी अब स्त्री बोल दे तो भाई कहाँ जाएगा, पुरुष को करना पड़ेगा पति को। तो ठीक है भाई, मान जाते हैं कि चलो, और उस गाय को ले करके चले जाते हैं वो लोग। तो सब आठों वसुओं से बोलते हैं कि देखिए मेरी पत्नी को ये गाय चाहिए, चलो उठा के ले चलते हैं। तो सब गाय को लेके चले जाते हैं। तो वशिष्ठ मुनि का जब वो खुलता है, चेतना में आते हैं, ध्यान खुलता है अपने उससे तपस्या से, तो देखते हैं गाय तो है ही नहीं, पता लगाते हैं गाय कहाँ गई। तो अपने योग बल से जान जाते हैं, अच्छा ये अष्ट वसु आए थे, उन्होंने हमारी गाय ले गई। तो इसके बाद फिर वो श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम लोगों को मनुष्य के जीवन में जाकर के मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा, और अपने पद से तुम लोग गिर जाओगे, ऐसे तुम लोग चोरी किए हो इसके वजह से। तो आ करके अष्टवसु पूरे उनको प्रार्थना करते हैं कि क्षमा कीजिए, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो वशिष्ठ मुनि भी उनको माफ़ कर देते हैं, और इसके बाद बोलते हैं ठीक है, तो तुम में से सात को तो चलो एक एक साल के लिए धरती पर रहना पड़ेगा मनुष्य योनि में, लेकिन जो ये ध्यो है जिसने वो उठा करके ले गया था, ये तुम सबके भी कभी इसको लेना पड़ेगा, इसको ज़्यादा दिन तक रुकना पड़ेगा। तो ठीक है, ऐसा ही होता है। तो इन वसुओं उनसे मिल
दिनों के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, और पुत्र की प्राप्ति होती है पूरे राज्य में खुशी का वो चल जाता है कि शांतनु महाराज को पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। और पुत्र होते ही क्या की, गंगा देवी उस पुत्र को ले गई और गंगा जी में डाल आई। शांतनु महाराज बोले कि यार हद है ये, हद स्त्री है, इतना मुश्किल से कोई स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है, और ये जन्म देने के बाद ऐसे जा करके ये गंगा में उनको फेंक आई। बहुत उनको आश्चर्य होता है, लेकिन कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं, क्यों, पहले ही उन्होंने शर्त रखा हुआ है। तो इस तरीके से कुछ साल बाद फिर दूसरा पुत्र होता है, उसको भी ऐसे वो गंगा जी में ले जाके डाल आती हैं। तीसरा पुत्र होता है, चौथा पुत्र होता है, पांचवा पुत्र होता है, और पुत्र की प्राप्ति होते ही वो ले जाकर के गंगा में विसर्जित कर देती थी। और बहुत आश्चर्य होता था, और उनको बहुत दुख भी होता था शांतनु महाराज को, कि बताओ मेरे पुत्रों को ऐसे ही ले जाकर के गंगा में विसर्जित कर दे रही है, लेकिन कुछ पूछ भी नहीं पा रहे थे। अब फाइनली जब आठवां पुत्र होता है ना, और आठवां पुत्र को जब वो ले जा रही थी गंगा में विसर्जित करने के लिए, तो उनके हाथ पकड़ लेते हैं वो देवी, माफ करिए मुझे, लेकिन कृपया करके क्या मैं कारण जान सकता हूँ कि आप इन पुत्रों को जन्म पाते, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों की क्या गलती की? ट्रेनिंग जो भी हुई रहती है स्वर्ग लोक में हुई रहती है, स्वर्ग लोक में सारा वो टीचिंग ट्रेनिंग वगैरह लिए रहते हैं, प्रशिक्षण सब, युद्ध कला का, राजनीति शास्त्र का, अर्थशास्त्र का, सारे सब चीज में, धर्म शास्त्र का, और सब चीज में बिल्कुल विद्वान पारंगत होते हैं ये जो देवव्रत होते हैं। कुछ सालों बाद फिर जब ये इनकी आयु होती है 16 साल, तो इनको ले करके आती हैं गंगा देवी ऊपर से, 16 साल या फिर 12 साल, और उनको ले करके फिर शांतनु महाराज को देती हैं कि ये आपका पुत्र है, और ये आपका पुत्र है, और इसको आप अपने पास रखिए, बहुत वीर है, बहुत वो है, धैर्यवान है, धर्म का ज्ञाता है, सारे ज्ञान इसको अच्छे से है, और इसको आप राजा बनाइएगा। तो शांतनु मान जाते हैं कि हाँ हाँ ये उचित, मतलब आज इसको चलो मैं राजकुमार बनाता हूँ, और यही इसको ही आगे चल के मैं राज्य दूंगा, ये राजा बनने के उपयुक्त वो है। तो ऐसे ही एक बार शांतनु महाराज गंगा तट पे बैठे हुए थे, और अचानक से क्या देखते हैं कि जो देवव्रत होते हैं वो इतने बड़े धनुर्धर होते हैं, इतने महान योद्धा होते हैं, कि अपने तीर मार मार करके वो गंगा का धारा रोक दिए होते हैं। सोचिए कितने महान धनुर्धर होते हैं कि बाणों की वर्षा से बाण चला चला करके बाण का पुल बांध करके और गंगा की धारा रोक देते हैं।
पद्म गंधा भी था, उनके शरीर से जो सत्यावती थी पद्म का, तो वो किसकी पद्म मतलब कमल की खुशबू आया करती थी। पहले उनका नाम मत्स्य गंधा था, उनके शरीर से मछली की गंध आया करते थे। लेकिन जो पराशर मुनि जो कि वेदव्यास जी के पिताजी हैं, पराशर मुनि के संसर्ग के कारण उनके शरीर से कमल का गंध आता था। तो इस तरीके से ऐसा होता है। और फिर वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी से आप बात कर लीजिए, अगर मेरे पिताजी बोलेंगे तो मैं आपसे विवाह कर लूँगी, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। तो इसके बाद जब वो उनके पिताजी से बात किए, निषाद राज जी से जो भी वो थे, तो उनसे पिताजी से जब बात की, तो उनके पिताजी ने एक टर्म एंड कंडीशन रखा कि ठीक है, मैं अपने पुत्री का विवाह तो कर दूंगा आपसे, लेकिन एक शर्त है मेरा। क्या शर्त है भाई आपका? तो शर्त ये है कि जो भी मेरा पुत्री का पुत्र होगा वो इस देश का राजा बनेगा। क्या होगा? जो मेरे पुत्री का पुत्र होगा वो इस देश का राजा बनेगा। तो अब उनको बिल्कुल सुन करके शौक हो जाते हैं, बोलते कि इतना अच्छा मेरा पुत्र है, पहले से देवव्रत, इतना महान है, इतना विद्वान है, इतना महान योद्धा है, और उसको नहीं राजा बना करके ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इनको राजा बनाऊं? सब लोग अपना वीडियो म्यूट करके रखिए। मैं राजा बनूंगा, ऐसा भी हो सकता है भाई, आप तो चलो मना कर दिए, लेकिन आपका पुत्र तो कहेगा कि मेरे पिताजी बड़े थे, मैं राजा बनूंगा। तो वहां पर फिर भीष्म पितामह अपनी पिता के प्रसन्नता के लिए उन निषाद राज के सामने एक प्रतिज्ञा लेते हैं, जिसको कहा जाता है भीष्म प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? कि ठीक है, मैं सबको साक्षी मान करके बोलता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी कोई संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। और ये सुन करके सारे देवता ऊपर से फूलों की वर्षा कर देते हैं। एक आश्चर्य की बात है कि कोई राजा, जिस पूरे देश का राजा जो हो बनने वाला, वो ऐसी प्रतिज्ञा ले कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये बहुत आश्चर्य की बात थी उसके लिए, बहुत आश्चर्य की बात थी उसके लिए। तो इस तरीके से वो लेते हैं, ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। उसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम होता है भीष्म। और क्योंकि वयोवृद्ध होते हैं, वो वृद्ध हो जाते हैं, जिसके चलते उनका नाम बाद में होता है पितामह, सब उनको कह रहे होते हैं। लेकिन उसी प्रतिज्ञा के कारण कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वो भीष्म उनका नाम रखा जाता है उनके प्रतिज्ञा के कारण। तो इस तरीके से वो फिर राजा तैयार हो, सॉरी निषाद राज तैयार हो जाते हैं, और सत्यावती का विवाह हो जाता है शांतनु महाराज के साथ। और फिर शांतनु महाराज के साथ विवाह होने पर उनको दो पुत्र की प्राप्ति।
स्वालम्बम संन्यासम बल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलव पंच विवर्जयेत। ये कलयुग में पांच चीज मना है, अश्वमेध यज्ञ करना, गोमेध यज्ञ करना, संन्यास लेना और देव अपने पितरों को मांस अर्पण करना उसमें, और अपने मतलब भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना, ये कलयुग में मना है। बाकी उसमें युगों में हुआ करता था। इस वजह से बोलते हैं कि आप इनसे पुत्र उत्पन्न करो तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं उत्पन्न करूंगा पुत्र, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करने का वो लिया हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि कैसे वो व्यासदेव को, जो उनके बड़े पुत्र होते हैं, इसके बाद वो अपना राज बताती हैं कि विवाह से पहले मुझे पुत्र हुआ था व्यासदेव, तो उनको आह्वान करती हैं तो वो आते हैं, और उनसे फिर कैसे जन्म होता है इनका, धृतराष्ट्र का और पांडु महाराज का, और एक उनके दासी से जन्म होता है किनका, विदुर जी का। इस तरीके से तीन पुत्र की उनको प्राप्ति होता है, और ये आप लोग कहानी पता होगा। तो और इन चित्रांग और विचित्र वीर्य के लिए भी ना एक और कथा आती है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि एक बार काशी नरेश, काशी देश के राजा अपने पुत्रियों का स्वयंवर रखे हुए थे, तो वहाँ पर कि एक राजा सबको बुलाए हुए थे, तो ये भी भीष्म पितामह अभी गए हुए थे उस स्वयंवर में, तो स्वयंवर में गए तो किसी ने उनका मतलब मजाक उड़ा दिया कि बताओ ये देखो ये ब्रह्मचारी हैं और इतने बुजुर्ग हो गए फिर भी ये स्वयंवर के लिए आए हुए, स्वयंवर देखने आए। बार जो पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिए थे, भगवान के अवतार थे, क्या नाम था, परशुराम जी, तो परशुराम जी से बोलते हैं वो कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो परशुराम जी बुलाते हैं भीष्म पितामह को, बोलते हैं कि आप इनसे शादी क्यों नहीं करते हो, विवाह करो, आप इनको जीत करके लेके आए हो, तो बोलते हैं नहीं नहीं गुरु महाराज, मैंने प्रण किया हुआ है आजीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, इसलिए मैं नहीं कर सकता विवाह। तो बोलते हैं अगर विवाह नहीं करोगे या तो फिर मुझे जीत मतलब युद्ध करके मुझे परास्त करो या फिर विवाह करो इनसे। बोलते हैं जैसी आपकी इच्छा, युद्ध करेंगे, और युद्ध करके उनको परास्त करते हैं वो, और पर इस तरीके से उनको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है आपको नहीं विवाह करना है तो नहीं कीजिए। तो इस तरीके से जो अम्बा वो होती है वो प्राण त्याग देती है कि मैं ही आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी, इस तरीके से वो करके संकल्प लेकर के। ठीक है, ये एक स्टोरी था। तो इस तरीके से तीन पुत्र होते हैं, और फिर आप लोग जानते हैं कि पांडु को राज्य बनाए, वो बोला बोलते थे ना कि नहीं मैं कभी राज्य नहीं लूँगा, इसलिए वो राज्य नहीं लेते हैं और पांडु को राज्य बनाता है। और फिर आप लोग देखते हैं कि पांडु को जैसे वो हो जाता है, क्षय रोग वगैरह हो जाता है, वो उनको श्राप मिल जाता है, इसके बाद फिर कैसे उनकी मृत्यु होने के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया जाता है। लेकिन ये मतलब ये कितनी बड़ी वो होती है, एक देखिए तपस्या है कि योग्य होते हुए भी, मतलब जैसे एक आप लोग सुने होंगे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वैसे ही कि मतलब जो भी एक बार प्रतिज्ञा ले लिए, प्रतिज्ञा नहीं जाता, प्रतिज्ञा नहीं जाना चाहिए, प्राण जाए पर प्रतिज्ञा न जाए, उस तरीके से कि कैसे देखिए। वैसे हमें भी भक्ति में जो भी प्रतिज्ञा लेते हैं ना कि नहीं मैं 16 माला का जप करूँगा या ऐसे नियमों का पालन करूँगा, तो नियमों का पालन
तो इस तरीके से महाभारत का युद्ध होता है, और क्योंकि इन्होंने वचन दिया रहता है अपनी माता को कि जो भी राजा रहेगा उसका प्रोटेक्शन मैं करूँगा, जो भी राजगद्दी पर बैठा रहेगा, तो इस तरीके से कौरवों के तरफ से लड़ते हैं और इन्होंने मतलब इतना खतरनाक युद्ध करते, इतने महान योद्धा होते थे और क्या इनको वरदान था, इच्छा मृत्यु का, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक ऐसा नहीं कि कोई को मार सकता है, ना ना ना, 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 ना कोई नहीं मार सकता उसको जब तक वो नहीं चाहे, इच्छा मृत्यु के वरदान के साथ युद्ध लड़ रहे थे और इतने खतरनाक तरीके से युद्ध लड़ते थे कि एक बार की बात है, युद्ध के 10वें दिन की बात है, 9वें दिन जाकर के दुर्योधन उनको खूब क्रिटिसाइज करता है कि मुझे पता है कि आप पूरे हृदय से नहीं लड़ रहे हो, आपके हृदय में करुणा है पांडवों के प्रति, आपने जो वचन दे रखा है कि आप पांडवों को नहीं मारोगे ना, तो क्या फायदा आपके लड़ने का हमारी तरफ से। बहुत उनको प्रोवोक करता है, बहुत ज्यादा उनको उकसाता है अंदर से कि किसी प्रकार से इनको गुस्सा है। तो इस तरीके से वो उनको वचन देते हैं कि ठीक है, ये 5 बाण है, 5 बाण बनाते हैं और कल इन बाणों से मैं 5 पांडवों का वध करूंगा। तो इस तरीके से वो 5 पांड लेकर के दुर्योधन चला जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पूरे कहानी के डिटेल में नहीं जाऊंगा, कैसे भगवान के कहने पर अर्जुन आते हैं उस बाण को लेकर के, क्योंकि भगवान को पता होता है ना, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है भगवान कृष्ण, तो उनको पता होता है, वो अर्जुन को भेज करके वो बाण मंगवा लेते हैं। फिर भी अगले दिन जो 10वें दिन की बात है, युद्ध जब चालू हुआ तो इस तरीके से मतलब बिल्कुल युद्ध कर रहे थे आज भीष्म पितामह। बार बार कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे थे, फिर भगवान को भी उन्होंने गुस्सा दिला दिया है और भगवान भी अपने भक्त की रक्षा के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया था कि कल मैं इनको मतलब मजबूर कर दूंगा अस्त्र उठाने पर। तो इस तरीके से भयंकर बाणों की वर्षा की, भयंकर तरीके से बिल्कुल युद्ध किया ना। फिर भगवान क्या किए, रथ का पहिया लेकर के और उनको मारने के लिए चले। और जैसे रथ का पहिया एक अस्त्र होता है, एक शस्त्र होता है, जैसे तीर वगैरह है, तो ये शस्त्र में तो इनको दूर से मारना होता है, गदा वगैरह तो जा करके पास से लड़ना होता है। तो जो नॉर्मली जो रथ का पहिया था वो ऐसा नहीं था कि जा करके रथ के पहिया कोई मारे, पहिया उठा कर को, तो फेंक करके मारने वाला वैसे वो है, अस्त्र है। लेकिन वो कृष्ण इतना ज़्यादा उनके युद्ध कला से बिल्कुल आकर्षित थे, क्योंकि कृष्ण को पता है कि अंदर से कितने शुद्ध भक्त हैं भीष्म पितामह, और इस तरीके से वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे थे और कृष्ण अंदर से बहुत प्रसन्न हो रहे थे। कहा जाता है श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में आता है, तथैव चान्यं नरलोक वीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम् नैनं पिबन्तो नैनाभिरामं पार्थस्य पूता पद्मापुरा।
जो उनके पसीने के बूंदे थी युद्ध लड़ते लड़ते, और ये सब कुछ मिला करके कृष्ण इतने सुंदर लग रहे थे कि उस युद्ध के मैदान में जो भी कृष्ण के सामने आता था मानो नेत्रम पिबंती नैनाभिराम, नेत्रों से देख करके नेत्र एकटक अटक जाते थे, उनपे कृष्ण को ही देखते रह जाते थे, इतने सुंदर कृष्ण लग रहे थे। और भीष्म पितामह ऐसे कृष्ण से युद्ध कर करके कृष्ण की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे, बिल्कुल कृष्ण की सुंदरता को और चार चांद लगा रहे थे और बढ़ा रहे थे कृष्ण की सुंदरता को। और भगवान भी अंदर से बहुत प्रसन्न थे और भगवान भी वीर रस का स्वादन कर रहे थे अपने उस शुद्ध भक्तों के साथ। और इस तरीके से कृष्ण लेकर के जा रहे मारने के लिए बिल्कुल, और उनको अर्जुन मना कर रहे हैं कि नहीं भगवान, नहीं आपने मना किया है कि आपने प्रण किया है युद्ध नहीं वो नहीं करोगे, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे, और उनका कमर पकड़ लेते हैं बिल्कुल, उनको पैर पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए कृष्ण उनको लेकर के जा रहे हैं। इतना अंदर से बिल्कुल जैसे मानो एक प्रेमी एक प्रेमिका को आलिंगन करने जा रहे हो, इस तरीके से कृष्ण आकर्षित हैं उनके भक्ति से, कृष्ण उनसे मिलने के लिए इतना व्याकुलता है इस तरीके का। तो कृष्ण उनके पास बिल्कुल अपने अस्त्र शस्त्र उठा करके जा रहे थे मानो उनको वो करने के लिए, और कृष्ण अर्जुन बार बार उनको रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं कृष्ण, नहीं नहीं भगवान मत करो। और इस तरीके से फिर वो भीष्म पितामह उनके सामने खड़े हो जाते हैं कि उनको पता है क्योंकि स्वयं भगवान है ये, और अगर मरना तो मेरे को है ही, और अगर इनके हाथों से मरूंगा तो तुरंत ही मेरे को क्या बोलते हैं, तथैव चान्यम नरलोक वीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंद। सबको मार देंगे और ये तो भाई कौरव जीत गए, हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर भगवान कहते हैं कि उन्हीं से जाकर के पूछिए कि उनको कैसे हराया जाए, और वो साधु स्वभाव के हैं और वो चाहते हैं कि सत्य का विजय हो, धर्म का विजय हो, तो अपना वो कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। और इस तरीके से कृष्ण भेजते हैं पांडवों को, तो जाकर के युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछते हैं कि आप ही बताइए आपको कैसे मारा जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो ये दुर्योधन है वो अधर्म का वो प्रतीक है, धर्म के तरफ से है, और ये हम धर्म की लड़ाई कर रहे हैं। तो खुद ही बताते हैं वो कि कई तरह के टर्म कंडीशन बताए, किसी स्त्री पर मैं कई बाण नहीं चलाता, शस्त्र नहीं चलाता, या कोई अगर मेरी शरण में आ जाए तो नहीं चलाता, मैं ब्राह्मण के ऊपर शस्त्र नहीं उठाता, कोई वृद्ध हो तो उसके ऊपर शस्त्र नहीं उठाता, कोई बालक है उसके ऊपर शस्त्र नहीं उठाता, कोई बिल्कुल निहत्था है उसके ऊपर मैं शस्त्र नहीं उठाता, कोई मुझे बिल्कुल डर गया है युद्ध में मेरे से भाग रहा है उसके ऊपर मैं शस्त्र नहीं उठाता, स्त्री के ऊपर मैं शस्त्र नहीं उठाता, तो इस तरीके से कुछ ऐसा व्यवस्था करो ताकि मैं आप मुझे मार पाओ। और इसके बाद बोलते हैं नहीं आप ही कारण बताएं, तो बताते हैं कि जो ये शिखंडनी है आपके एक उसमें शिखंडी, वो पहले स्त्री के रूप में वो पैदा हुआ था, बाद में उसका लिंग परिवर्तन हुआ था वो यक्ष के उससे, तो उसकी वजह से उस पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, आप उसको आगे कर युद्ध करो, अर्जुन को बोलना। तो इस तरीके से जाके फिर अर्जुन को कहा जाता है कि अर्जुन आप इस तरीके से भीष्म पितामह ने बताया कि इस तरीके से ही उनको मारा जा सकता है, अगर उनको नहीं मारते हैं हम तो आप समझ लो कि कल ही के दिन एक ही दिन में ही कहानी ख़त्म कर देंगे, महाभारत का युद्ध 18 दिन ही चलेगा, 11वें दिन सबको मार के बराबर कर देंगे वो। तो अब अर्जुन को इंस्पायर करते हैं, तैयार करते हैं, अर्जुन अब अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, नहीं ये मेरे दादाजी हैं, ये बचपन से मुझे अपने गोदी में खिलाए हैं, मुझे लाल प्यार किए हैं, मैं इनको कैसे इनको मैं मार सकता हूँ, इनकी छाती को मैं कैसे अपने बाणों से छेद कर सकता हूँ। तो
ना तो बहुत खुश होता था, वो खुश होता था कि मैं मार दिया, लेकिन शिखंडी का जो बाण आता था ना उनके छाती को क्या उनके चमड़े को भी छेद नहीं पाता था और लग करके नीचे गिर जाता था। और पीछे से फिर अर्जुन बाण चलाते थे और अर्जुन का बाण उनके छाती को छेद देता था, उनके शरीर को छेद देता था और हर मतलब शरीर के हर 2 इंच पे उन्होंने बाण मार के पूरा छलनी कर दिया उनके शरीर को। और तब तक ये देखिए कितने पराक्रमी थे और इच्छा मृत्यु के तो पहले ही वरदान था और तब तक वो रहते हैं। इसके बाद फिर रथ पर से गिरते हैं और वो धनुष और बाण हाथ में था, लेकिन क्योंकि स्त्री सामने थी तो धनुष अपना नहीं चला रहे थे, वो युद्ध नहीं कर रहे थे। इस तरीके से भीष्म पितामह को मारा जाता है और भीष्म पितामह वहीं पर बाणों की सैया पर गिर जाते हैं और 11वां दिन का युद्ध समाप्त होता है। 11वां दिन के बाद जो आते हैं सारे शाम के समय पांडव लोग मिल करके आते हैं, उनसे मिलते हैं, दादाजी आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं हो रही, तो वो बोलते हैं कि देखो मुझे थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, मेरा गर्दन नीचे की तरफ झुका हुआ है, कुछ तकिया वगैरह का व्यवस्था करो ताकि मेरे सर ऊपर की तरफ मैं भी देख पाऊँ। तो अर्जुन जो होते हैं वहीं तुरंत अपना बाण निकालते हैं और क्रॉस करके मार करके बाणों की उनको वो करते हैं, तकिया लगाते हैं। इसके बाद फिर बोलते हैं कि मुझे प्यास लग रही है, तो प्यास लग रही तो वहीं पर अर्जुन बाण मार करके और वहीं पर गंगा जल उत्पन्न करते हैं और गंगा का वो जल उनके मुख में जा रहा था। आज आप लोग कुरुक्षेत्र में जाइएगा तो कुरुक्षेत्र में आज भी भीष्म सरोवर है, वो वही सरोवर है जो अर्जुन ने भीष्म पितामह को पानी पिलाने के लिए गंगा उत्पन्न किया था, वहाँ पर आज भी है, आप लोग जा करके वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। तो इस तरीके से युद्ध वो ख़त्म होता है। उस दिन वो उसको ही बुलाते हैं, कर्ण को ही बुलाते हैं और कर्ण को बहुत वो करते हैं कि बातचीत होता है। इस तरीके से 18 दिन का युद्ध खत्म होता है। युद्ध खत्म होने के बाद अब सब लोग कहते हैं कि अब युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने के लिए, युधिष्ठिर महाराज को अब राज्य करना है, राजा बनाना है, और युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल ही राजा बनने को तैयार नहीं हो रहे थे और युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल ही शोक के मानो सागर में डूब गए हो बिल्कुल, कि नहीं मेरे चलते हाय हाय हाय, मेरे चलते इतने लोगों का वध हुआ, मेरे चलते इतनी स्त्रियां हैं विधवा हो गई, मेरे चलते इतने जो बहने हैं उनके भाई कितनों के मारे गए, कितनों के पति मारे गए, कितनों के पुत्र मारे गए, कितनों के पिता मारे गए, इन सबका कारण मैं ही, मैं कुछ भी कर लूँ, करोड़ों यज्ञ कर लूँ तो भी मेरा कोई उद्धार नहीं हो पाएगा। अब इन सबको रो रही है बिल्कुल मेरे चलते, मैं एक लोभी व्यक्ति हूँ, मुझे लोभ था राज्य का जिसके चलते ये सब युद्ध हुआ और इतने लोग मारे गए। तो सब लोग उनको समझाते हैं नहीं 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 देखिए आप धर्म की तरफ से युद्ध लड़े, आप कोई गलत नहीं किए, वो अधर्मी था, और इस तरीके से सब लोग उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे। फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनको समझाए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण समझाएं कि नहीं नहीं देखो ये मतलब मेरी मर्जी से युद्ध लड़ा गया, कोई गलत नहीं किया, तो धर्म के प्रतीक हो, धर्म के वो हो, तो लेकिन फिर भी वो रेडी जैसे कि वो बोल रहे वो युधिष्ठिर कि देखो आपकी बात हो तो सब कुछ सत्य है, लेकिन पता नहीं मेरे हृदय में कोई बैठा हुआ है, मेरे हृदय का परमात्मा मुझे समझने नहीं दे रहा है, कन्विंस नहीं होने दे रहा है, आपकी बात मुझे ठीक नहीं रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और एक्चुअली कृष्ण उनको समझा तो रहे थे, लेकिन कृष्ण ही अंदर से परमात्मा रूप में समझने नहीं दे रहे थे। देखिए भगवान की महिमा देखिए, भगवान की लीला देखिए, भगवान की मतलब भक्त वत्सलता देखिए, क्यों? क्योंकि भगवान अपने प्रिय भक्त
बहुत विद्वान है, बहुत गुणवान है, और वो आपको समझाएंगे। जो भी आपके हृदय में संशय हो उनसे आप पूछना, ठीक है। फिर सबको मतलब ले करके जो भगवान होते हैं पांडवों को ले करके जाते हैं वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में, जहाँ पर बाणों की सैया पर लेटे हुए थे कौन? भीष्म पितामह। इसके बाद जब वहाँ पर ले जाते हैं तो भीष्म पितामह उनको वो करने चालू करते हैं, उपदेश देने चालू करते हैं। और भीष्म पितामह के उपदेश को सुनने के लिए ब्रह्मांड भर के हरेक मतलब जो भी महान महान राजर्षि थे, देवर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे, जो भी पायस राजा थे, सब लोग वहाँ पर, सारे देवता लोग भी सब लोग आए हुए थे, सारे ऋषि महर्षि सब लोग वहाँ पर, व्यास देव, धौम्य ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलस्य ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, सारे ऋषि वहाँ पर आए हुए थे उनके प्रवचन को सुनने के लिए, कि एक महान धर्म के ज्ञाता, एक महान धर्मज्ञ आज धर्म का परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो हम लोग भी चलते हैं। और जो वहाँ पर परशुराम अपने सारे शिष्यों को बुलाते हैं कि तुम लोग मेरे पर प्रश्न उठाते थे ना, कि जब ही मैं कहता था कि मेरे सारे ऋषि, मेरे सारे शिष्यों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य ये भीष्म है, तो सारे मुझ पर क्रिटिसाइज करते थे, मेरे पर उंगली उठाते थे। आज चलो तुम सब लोग, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो मेरा शिष्य है कितना महान व्यक्ति है, कितना धर्मज्ञ व्यक्ति है और कितना बड़ा भक्त है। तो परशुराम जी अपने हजारों लाखों शिष्यों को लेकर के आते हैं और वहां पर बहुत लाखों करोड़ों शिष्यों की और लोगों की वहां पर भरमार होती है, भीड़ होती है, और धर्म का प्रवचन देना शुरू करते हैं भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह उनसे बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि अहो कष्टम अहो अन्यायम तद यूयम धर्म नंदन जीवितम न अर्हति क्लेष्टम धर्म विप्र अच्युत आश्रय। कि अहो कष्टम अहो अन्यायम, कि हे युधिष्ठिर तुम्हारे साथ कितना कष्ट तुम्हारे जीवन में आए, कितना धर्म, स्त्री धर्म, ब्रह्मचारी धर्म, गृहस्थ धर्म, सन्यासी धर्म, वानप्रस्थ धर्म, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, सबके धर्म क्या क्या है, बहुत अच्छा धर्म का विवेचना करते हैं, धर्म का प्रवचन करते हैं वहाँ पर, धर्म का बहुत अच्छा वहाँ पर क्या न्याय है, क्या अधर्म है, क्या नीति शास्त्र है, सब कुछ का वहाँ पर सारे मतलब ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि सबकी सभाओं में धर्म का ज्ञान वो देते हैं, धर्म का प्रवचन देते हैं कौन? भीष्म पितामह। और आखिरी में कृष्ण से बोलते हैं, बहुत इनको ज्ञान दिए, मन में सोचते हैं अब क्योंकि कृष्ण यहाँ पर हैं तो कृष्ण का भी वो गुणगान करते हैं। तो तीन बेसिकली मूल मुख्य रूप से गुणगान करते हैं। पहला तो हे कृष्ण, आखिरी समय पे बिल्कुल वो गुणगान कर रहे हैं, बहुत ही हम भक्तों के लिए बहुत ही मतलब एक रोचक प्रसंग है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि कृष्ण आपका वह रूप जो कि युद्ध के मैदान में था, युद्ध के मैदान में का वो रूप, मैं उसको, वो मेरे नेत्रों के सामने रहे, वो मेरे स्मरण मैं उसको करता रहूं, कि मैं देख रहा था कि किस तरीके से मतलब आपको बाण लगा हुआ है और बाण लगा हुआ है, खून निकल रहा है आपके शरीर से, और आपका ये मुख कितना सुंदर लग रहा था, जब आपके घुंघराले बाल आ रहे थे, बार बार आपके मुख पे आ रहे थे, और आप अपने हाथों से एक हाथ में उसका घोड़ों का लगाम पकड़े हुए और एक हाथ से अपने बालों को हटा रहे थे, हे कृष्ण कितना सुंदर लग रहे थे, आपका वो मुख मेरे नैनों के सामने बना रहे, मेरी स्मृति में हमेशा बना रहे। हे कृष्ण जब आप पार्थ के उसके सामने अर्जुन के रथ पे बैठे हुए थे युद्ध के मैदान में, और आप कितने सुंदर लग रहे थे कि जो भी आपको देख करके मृत्यु को प्राप्त हो रहा था तत्क्षण आप उसको भगवत धाम दे रहे थे, हे कृष्ण आपका वो मुख मेरे स्मरण का कारण बने, मैं उसको स्मरण करता रहूं। जब आप युद्ध में बिल्कुल पसीने हो जा रहे,
और जैसे कहते हैं कि अंत काले चमामेव स्मरण मुक्ता कले और हम यह प्रयादि समदभाव नास्ति अत्र अत्र संशय। भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय के उसमें बोल रहे हैं 5वें श्लोक में कि आखिरी में अगर तुम मेरा स्मरण करो, और देखिए तो बेस्ट स्मरण कौन करता है, वो भीष्म पितामह कर रहे हैं कि भगवान सामने हैं और भगवान को देखते हुए अपने मुख से भगवान का गुणगान करते हुए कैसे वो अपना शरीर त्याग रहे हैं। और दूसरा प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका वो स्वरूप, जिस स्वरूप से आप गोपियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, वो आपका स्वरूप हमेशा मेरे चित्त में बना रहे, मेरे स्मरण का कारण रहे। ये प्रार्थना करते हैं कि कितने आपकी सारी की सारी गोपियाँ आपको देख करके आपको आपसे आपके रूप लावण्य से आकर्षित हैं, आपके गुणों से आकर्षित हैं। हे कृष्ण, वो सुंदर मुख, वो सुंदर आपका चेहरा, वो सुंदर जो आपका मुख कमल है, मेरे स्मरण का कारण बने, मैं उसको स्मरण करूं। और तीसरा बोलते हैं कि हे कृष्ण, मुझे याद है कि राजसी यज्ञ में जब आप अग्र पूजा आपकी हो रही थी और कितने सुंदर आप लग रहे थे राज सिंहासन पर बैठे हुए, पूरे विश्व के समस्त राजाओं के सामने, समस्त देवताओं के सामने आपको अग्र पूजा किया जा रहा था, आपका गुणगान किया जा रहा था, आपके चरण कमल को पखारा जा रहा था और सब लोग मिल करके आपकी आरती उतार रहे थे। हे कृष्ण, वो सुंदर स्वरूप मेरे नैनों के सामने रहे, मेरे चिंतन का कारण बने, मैं उसका स्मरण कर पाऊँ। और इस तरीके से वो भीष्म पितामह को वो स्वरूप याद आ रहा था, पार्थ सारथी का स्वरूप याद आ रहा था, गोपीनाथ का स्वरूप याद आ रहा था, और भगवान को गुणगान करते समय मतलब मन से भगवान को सोचते हुए, नेत्रों से भगवान को देखते हुए, साक्षात भगवान वहाँ पर उपस्थित देखते हुए और वाणी से भगवान को गुणगान करते हुए भगवान के सामने और सबके सामने वो अपना शरीर उसी समय वो भगवान का गुणगान मुख से करते हुए और उनका मुख अचानक से खुला रह जाता है, उनके नेत्र खुले रह जाते हैं और हृदय में और ये महाप्रयाण के लीला को देख करके भीष्म पितामह के सब लोगों ने ऊपर से तुरंत देवताओं ने बिल्कुल पुष्पों की वर्षा कर दी, वाह साधु 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 कहते उनका गुणगान किए कि भाई ऐसे किसी का भी अगर मृत्यु हो, किसी को भी शरीर त्यागना हो तो ये आदर्श उदाहरण हमारे शास्त्रों में आता है कि भीष्म पितामह का शरीर त्यागने का। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्त की महिमा को स्टैब्लिश किए हैं यहाँ पर कि कोई भी आने वाले समय में कोई लांछन ना लगा दे मेरे शुद्ध भक्त पे कि उन्होंने युद्ध, क्योंकि उनकी तरफ से युद्ध किया, वो भगवान की इच्छा से, वो जानते हुए भी और भगवान की इच्छा से उनकी तरफ से युद्ध किए थे, वो कौरवों की तरफ से युद्ध किए थे। तो इस तरीके से स्वयं कृष्ण अपने सारे भक्तों का ख्याल रखते हैं और अपने शुद्ध भक्ति की महिमा को स्थापित किए यहाँ पर, और सारे ऋषि महर्षि मिल करके उनको बिल्कुल सारे पुष्पों की वर्षा करते हैं और वहाँ पर फिर इनके महाप्रयाण को देख करके लाखों करोड़ों की भीड़ वहाँ पर थी और वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा संकीर्तन होता है, भगवान के नाम का संकीर्तन होता है। सब लोग मिल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत बड़ा संकीर्तन वहाँ पर होता है। और इस तरीके से भीष्म पितामह एक महान पुरुष, एक महान भक्त जो 12 महाजन में से एक हैं, शरीर त्यागते हैं भगवान को देखते हुए और तत्क्षण भगवत धाम चले जाते हैं, वो उनका आखिरी जीवन होता है, आखिरी शरीर होता है इस भौतिक जगत में। इस तरीके से एक शुद्ध भक्त का आज हमने चर्चा किया भीष्म पितामह के जीवन चरित्र के ऊपर, और कई सारी से शिक्षाएं मिलती है, कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और हम भी ऐसे भगवान के महान भक्त भीष्म पितामह से प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे आप भगवान में, आपकी बिल्कुल अभिचला भक्ति लगी हुई थी भगवान में, कि इसी तरीके से चिंतन करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए और भगवान का गुणगान करते हुए जैसे आपने शरीर छोड़ा, हे भगवान हमारे भी जीवन में आप ऐसी व्यवस्था कीजिएगा
कि हम भी ऐसे ही भक्तों के शरीर में कीर्तन करते हुए या आपको स्मरण करते हुए शरीर छोड़ पाए, हम भीष्म पितामह से ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये एक आदर्श चरित्र है भीष्म पितामह का, जिसका आज हमने चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हरे कृष्णा। आप लोगों में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कर सकते हैं।